किसान भाइयों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आपका फिश फार्मिंग का बिज़नेस बहुत ही तरक्कियों को छू रहा होगा। तो जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि अपने कतला मछली को एक साल में 2 केजी की कैसे करें, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और कैसे करें इसकी मैं संपूर्ण जानकारी अभी देने वाला हूँ। तो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुने, क्या करना है, कैसे फीडिंग करना है, कितना डेंसिटी में करना है, सब कुछ। और मैं ये किस आधार पे बता रहा हूँ, मैंने इसे अपने तालाब में किया है और उसी आधार पे मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा 1 एकड़ का तालाब है, उसमें आज से लगभग 1 साल 1 महीने पहले जब लॉकडाउन का शुरुआत हुआ था मार्च में, जनता कर्फ्यू के दिन हमने जीरा डाला था इसमें लॉकडाउन के शुरुआत में। तो उस समय कतला मछली के साथ रोहू और मृगल और कुछ ग्रास कार्प मछलियां हमने स्टॉक की थी तालाब में। तो कोई भी मछली हो, उसके बढ़वार के लिए आपको चाहिए प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर भोजन प्रबंधन और डेंसिटी कम रखना है। तो हमने क्या किया, एक तो हमने स्टंटेड सीड यूज़ किया था, मतलब हमारा सीड का साइज़ जो था, वेट जो था हमारे सीड का, खासकर कतला मछली का, वो था 80 ग्राम 90 ग्राम और 100 ग्राम तक का। मतलब ये जो सीड था, जिसे हमने 2020 में स्टॉक किया था, वो 2019 के जून जुलाई का सीड था, मतलब लगभग बहुत पुराना सीड था और 100 ग्राम का हो चुका था। रोहू का 50 ग्राम 40 ग्राम, मृगल 20 ग्राम 40 ग्राम, यही सब के आसपास था, लेकिन जो कतला था वो 100 ग्राम के एवरेज का था। और हमने स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ही कम रखा है। आप ज़्यादा रखेंगे फिर भी वही बात है, कम रखेंगे फिर भी वही बात है। कम में होगा ग्रोथ आपका जल्दी पकड़ेगा, जल्दी ग्रोथ कर लेगा, आप जल्दी उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डेंसिटी ज़्यादा रखिएगा तो फिर होगा कि बहुत टाइम लगेगा और उतना अच्छा ग्रोथ नहीं ले पाएगा, भोजन भी आपको उतना ही खिलाना पड़ेगा। तो डेंसिटी हमने कम रखा, 1500 बस कतला मछली हमने स्टॉक किया है 1 एकड़ में। रोहू ये सब का काउंटिंग नहीं हो पाया था क्योंकि वो उसका साइज़ थोड़ा छोटा था, संख्या ज़्यादा था। तो 1500 के लगभग आप समझिए कि कतला मछली 1 एकड़ में हमने डाला था और एवरेज हमारा 1 साल 1 महीने के बाद 2 केजी प्लस का एवरेज साइज निकला है। हार्वेस्टिंग अभी हो ही रहा है 4-5 दिनों से, मैं हार्वेस्टिंग का भी वीडियो डालूँगा, उसमें मछलियों का साइज़ भी आपको पता चलेगा। मैं इसी आधार पर बता रहा हूँ, अभी हार्वेस्टिंग का वीडियो हम एडिट करेंगे, उसको डालेंगे और आप उसमें कतला मछली का साइज़ देखिएगा। तो करना क्या है, मैंने क्या किया उसको इस साइज़ में लाने के लिए, तो शुरू से ध्यान से बात सुनिए। पहले तो हमें कम से कम सीड स्टॉक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें आप 1500 तक कतला मछली स्टॉक करें और रोहू उसी अकॉर्डिंग आप 4000 कैसे भी करके ले जाएँ। 1500 कतला के बाद उन दोनों का आप जो भी रेशियो रखे आपका मन, या आप कॉमन कार्प करिए मृगल को हटाकर, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कतला मछली का संख्या 1500 अगर अच्छा बढ़वार चाहिए। मैं कतला मछली पर ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि इसका रेट भी बहुत बढ़िया मिल जाता है और ये फिश फार्मिंग का माना जाए तो सबसे बेस्ट फिश है, क्योंकि ग्रोथ भी ये जल्दी लेता है। किसान भाइयों को ग्रोथ से मतलब होता है, अच्छा रेट मिल जाए, ग्रोथ मिल जाए, फीडिंग कॉस्ट कम आए। तो उसके बाद हमने किया कि भोजन प्रबंधन 2 से 3 महीने हमने मार्च में सीड स्टॉक हुआ था, तो मार्च के कुछ दिनों और अप्रैल मई तक हमने बरसात आने से पहले उसमें सिर्फ सरसों का खली डेली 20 केजी तालाब के चारों तरफ से छिड़काव करवाया डेली प्रतिदिन। उससे पहले हमने तालाब प्रबंधन कर लिया था, जो कि आप लोग जानते ही हैं तालाब प्रबंधन कैसे होता है।
तो आपका सरसों का खली जब बच्चा सीड स्टॉक करे तो उस समय कोई और उसमें यूज़ ना करें प्रोबायोटिक, सिर्फ सरसों का खली दीजिए। ये नेचुरल बूस्टर है, समझिए कि बहुत ही इस पर मछली बढ़ती है। सरसों की खली पर आप किसी और चीज़ की भी खली दे सकते हैं, लेकिन सरसों का खली सबसे बेस्ट रहेगा। इससे प्लैंकटन भी डेवलप हो जाता है और फिश इसे डायरेक्ट कंज्यूम भी करती है, डायरेक्ट इसे फिश खाती है। तो कतला मछली को सबसे अच्छा भोजन सरसों का खली इसलिए माना जाता है क्योंकि जब आप सरसों का खली का छिड़काव करते हैं तो उसमें छोटा 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 एकदम दाना टाइप का हो जाता है, वो सरसों का टुकड़ा रहता है, तो वो जाकर लेयर में बैठ जाता है, मतलब सबसे ऊपर के लेयर में बैठ जाता है, जिससे कतला मछली बहुत दिनों तक खाती रह जाती है क्योंकि सबसे ऊपर रहती है कतला मछली। और उसका तेल के तरह होता है, वो तालाब में फैल जाता है, तो वो सब बहुत उसे फायदा करता है। फाइटोप्लैंकटन बना देगा आपका सरसों का खली। आप उससे पहले चाहे तो गोबर ये सब का भी छिड़काव करवा सकते हैं। तो 2-3 महीना ये चलाना है, उसके बाद आप फीडिंग मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए। बरसात आने से पहले जो जो आपको करना है, चूना का छिड़काव, बरसात ख़त्म होने के बाद चूना का छिड़काव, ठंड शुरू होने से पहले चूना का छिड़काव, ठंड ख़त्म होने पर चूना का छिड़काव, गर्मी शुरू होने पर चूना का छिड़काव, ये सब आप एकदम मेंटेन रखिएगा तो मछलियाँ 100% बढ़ेगी और आपकी जो कतला मछली है वो एक साल में 1 किलो से लेकर 2 केजी की साइज़ तक आ जाएगी। संख्या कम रखना है और फीडिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। मान लीजिए अगर आप संख्या ज़्यादा भी रख चुके हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, कतला मछली का आप संख्या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो साल भर में एवरेज साइज 1 केजी आ जाएगी। लेकिन अगर आप कम सीड स्टॉक करते हैं तो वो साल भर में 2 केजी हो जाएगी। और फीडिंग मैनेजमेंट का अच्छे से ध्यान रखना है और कतला मछली के अच्छे बढ़वार के लिए एक बात का आपको गांठ बांध लेना है, ये बात कि जिस तालाब में आप कतला मछली डालते हैं उसमें भूल कर भी बिगहेड फिश का पालन ना करें, क्योंकि दोनों एक ही टॉप सरफेस पर रहती है, सबसे ऊपर रहती है और एक ही तरह का भोजन खाती है। और कतला मछली से भी पहले ये बिगहेड जो है वो तैयार हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि पूरा भोजन वो कतला मछली वाला भोजन ही करता है, उससे छीन कर भोजन करता है। और हमारे इकोनॉमी के लिए, मतलब रेट के लिए जो हमारा रेट मिलता है वो उससे दोगुना से 3 गुना है, जो बिगहेड का रेट है उससे 2 गुना है हमारा कतला मछली का रेट। और इसकी मांग बाज़ार में सबसे अधिक है। बिगहेड के लिए आप बुलाइएगा तो एक भी आदमी नहीं आएगा, लेकिन वही आप कतला मछली बोलिएगा कि 1.5 केजी 2 केजी का है तो बहुत लोग आ जाएंगे आपके पास। तो यही अंतर है। तो जिस तालाब में, ऐसे भी जिस तालाब में आप कतला मछली डालें उसमें बिगहेड ना डालें, या आपका बिगहेड अच्छा लगता है पालन करने में तो उसमें कतला ना डालें, या कोई भी सरफेस, एक सरफेस की 2 मछलियां 3 मछलियां ना डालें। जैसे कॉमन कार्प डालते हैं जिस तालाब में, तो उस तालाब में मृगल ना डालें, और जिस तालाब में मृगल डालते हैं उसमें कॉमन कार्प ना डालें। अपने में जो कंपटीशन करती है, जो मछलियाँ भोजन के लिए लड़ती है, वो ना डालें। और ख़ासकर बिगहेड की बात करें तो इसमें बीमारी बहुत लगता है, और एक भी मछलियाँ बीमारी से संक्रमित होती है तो सारे तालाब की मछलियों को बीमारी के आगोश में ले लेती है और सभी मछलियाँ मरने लगती है। तो ये गलती ना करें, एक सरफेस का 2 तरह का 3 तरह का मछली कभी तालाब में ना डालें। जैसे IMC का पालन करते हैं तो सबसे अच्छा रोहू, कतला, मृगल ये डालिए, या मृगल के साथ कॉमन कार्प चाहते हैं तो थोड़ा कम संख्या में डालें, लेकिन बिगहेड के साथ कतला ना डालें। ये मेरा सुझाव था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।